हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का दिन है और यहाँ देखो सिम्बा, देखो समझ गया है कि हम कहीं जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ सिम्बा को लेकर डॉक्टर के, क्योंकि इसे लेकर जाना था ना बच्चों के चक्कर में, मैं लेके नहीं जा पा रहा था। सिम्बा का सारा सामान पैक कर लिया, सारे सामान के बॉटल रख लिया और उसका बाउल, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। गर्मी का इसे वैसे भी मतलब गाड़ी में बैठती इसे प्यास लगती है। गया नीचे सुसू पॉटी करने, अब मेरी मैं नीचे जाऊंगा ना तो मुझे देख के करेगा नहीं कि तू कहाँ जा रहा है। आज भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो देखो देखो सारी बच्चा पार्टी है, रूई गैंग जा रही है हमारी। मौसम आज बहुत अच्छा है, ऐसी मौसम रहे तो बढ़िया रहे। तो इतनी सारी लाइटें किस बात में जला दी आपने, पंखा वंखा। अब पता है गर्मी में व्लॉग बनाने की सबसे खराब बात यह है कि पंखों की इतनी तेज आवाज आएगी कि मेरी आवाज ही नहीं है। मुझे इसलिए गर्मी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, व्लॉग ही नहीं बनता। और व्लॉग बनाओ तो फिर पंखा बंद करो तो गर्मी लगेगी। और अभी तो पंखे चलना है, फिर कूलर चलेंगे, कूलर में तो और तेज आवाज की भर भर करके। अभी जरा सिम्बा पॉटी कर ले फिर जाऊंगा मैं नीचे, क्योंकि मुझे देखेगा तो फिर उसका तो ही है। हमारे यहाँ सारे आपको जानवर दिखेंगे, देखो घोड़े घूम रहे हैं ऐसे खुले, देखो ये ऐसे घूमते हैं। यहाँ पे हैं ये किसी के पालतू हैं, ये तो ऐसे ही छोड़ देते हैं अपना घूम घाम के, फिर वापस चले जाते हैं। और देखो छुंची बुरी इन भोग रहे हैं, ये यहाँ के बदमाश है, तुम हमारे एरिया में कैसे आ गए। और घोड़ों पे भोग रहे हैं दोनों माँ बेटे। अब चले जाते हैं जब तक मैं गाड़ी भी साफ कर लेता हूँ। बच्चा पार्टी कैसे बैठी, बच्ची बच्ची बन गए, इतनी पालू पालू बन गए भाई। हाँ भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। कच्चू तो बिल्कुल नन्नी मुन्नी नहीं लगती, कच्चू सबसे बड़ी लगती है इनमें, पारू पारू थी। आप भी पारू, सारे पारू बच्चे हैं मेरे भाई। देखो मेरे पे कितने सारे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। सिम्बा उधर है, अभी इसने गाड़ी की टू टू सुन ली ना तो मेरा दिमाग खराब कर देगा, वो सुसु पॉटी नहीं करेगा बिल्कुल भी। वो देखो वो रहा, मैं गाड़ी ऐसी खोल देता हूं। हां तुम्हें जाना भैया के साथ घूमी घूमी करने, भैया गाड़ी साफ कर रहा है। हटो सर, ओटीपी बताइए, आपकी टैक्सी आ चुकी है। हां 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 बब्बू की टैक्सी है, बब्बू की तो गा रहे हैं मेरे। सो जी अब हम निकल लिए हैं। हां वेट इन इंडिया आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही ऐसी मौसम रहे मजा आता है। गर्मी तो बिल्कुल ना 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 भी आगे की। तुम कहाँ जा रहे हो? भी हम जा रहे हैं, हाँ कर लो कर जाओ। वो तो कब गाड़ी के आगे आ गया भाई। हम मेन रोड पे बाहर आ गए थे लेकिन सिम्बा को जो सामान लिया था वो ही भूल गए, अब वो वापिस लेने जा रहे। ये बड़ी खुश होगी इस बार कि पहली बारी मेरे से गलती हुई, यहाँ रख के भूल गया था, गाड़ी साफ करा तो भूल ही गया आप। पूछने वाले और सिम्बा को पता लग रहा है, जैसे हम डॉक्टर पे पहुंचने वाले होते हैं ना पता लग जाता है। चिब्बू चिब्बू ओए इग्नोर, सारी जानकारी रखता है। यहाँ देखो कुछ लोगों का मुंह फूला हुआ, सैड है बेचारे, पता नहीं क्या हो गया इनकी जिंदगी में। मेरे को पता, तेरे को पता होगा क्यों फूला है। ऐसा ही बिरयानी खाओगे बाप, तुम्हें लड़ाई हो गई ना तो बिरयानी नहीं खाओगे बाप, मैं ही खाऊंगा अकेला, मैं खाऊंगा बस मैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं, सिम्बा की पीपू पूपू होने लगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, को दिखा दिया है एंड डॉक्टर ने जो इंजेक्शन चेंज करा है इसका, पेट पूजा की जा रही है एज यूजुअल। बिरयानी लवर हमारी लच्चा, यहाँ से हम जाते तो आपको पता ही है हम बिरयानी जरूर, वेज होती है बिरयानी तो सोचो नॉन वेज होती है, वेज बिरयानी लेके जाते हैं यहाँ से। भाई चिम्बा की चीजी आ गई बहुत सारी आई है, बहुत सारी बोलियो रख लो भाई। चिम्बा का बस खाना है और बाकी बेबीज की चीज। तो जी मैंने यहाँ से ले लिया है, मैं रास्ते से निकल था, मैंने कहा सामान लेता हूँ निकलूं। सारी एक साथ बंदा है तो भाई काम, अभी ये जब हम देंगे ना हम जाते भी हैं तो ये पता भी नहीं कहाँ गई। पीछे रख दो ना। ओके मैम रख लो, गुस्सा ही कर रहा है मेरे को। तो वो बता रहा हूँ कि पहले भैया यहीं रहता था, मैं रहता था सेंट लॉरेंस के सामने, बाद में हम वहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहीं है हमारा पुराना घर। अच्छा अच्छा तब उतरती नहीं थी, अच्छा तब गायब रहती थी, वो बिल्कुल भी नहीं उतरती थी। यहाँ भी जो इतने भी ये डॉगीज है ना इनको भी मैं जी खिलाता था, तब रोबो था मेरे पास, तो रोबो भाई यहाँ पे जितने भी डॉगी थे सबसे मिल के जाता था रात को, अगर नहीं मिल के गया तो भाई फिर कहता था दोबारा लेके चलो मुझे। और रोबो की गर्लफ्रेंड भी थी, दीपिका नाम रखा हुआ था उसका मैंने, वो बड़ी पतली दुबली थी सुंदर सी, याद आता मेरे को कि मैं यहीं पे ना यहाँ पे घुमाता था उसे, यहाँ पे खूब सुसु पॉटी करी है उसने और यहाँ कराते थे हम रोबो को पॉटी। क्या यही करता था यही। चिमा देख लो भैया घर, भैया घर था पहले ये रोबो होता था, रोबो ये था। चिमा कह रहा है अच्छा यहाँ पॉटी करते रोबो भैया, हाँ यहाँ पे खूब पॉटी करी उन्होंने। बच्चा पार्टी हमारा स्वागत करने आ गई है, ये देखो हमारी कज्जो। सिम्बा तू बाहर ही आ रहा, रुक जा रुक जा, बाबू अब इसे पट्टा बांध ले चिब्बू को। सबसे पहले आती पिया पानी है ना, है ना, हाँ पता लग गया ब्लॉग चल रहा जा रहा था, जैसे ही देखा ब्लॉग चल रहा आ गया। और मैं लेकर आया हूँ एक तो सिम्बा का ये ईयर क्लीन करने का, और डॉक्टर ने इसे मना करा है बिल्कुल भी कुछ भी इसे मतलब आटे का कुछ भी नहीं देना। तो ये चिज्जियाँ तो बच्चा पार्टी वगैरह इनके लिए ले आया मैं, इन्हीं की है, सिम्बा की कुछ भी नहीं है इसमें से, डॉक्टर ने मना करा है बिल्कुल। और लिया है मैं ये वाला फूड क्योंकि ये ग्रेन फ्री, इसके अंदर कुछ भी मतलब वीट वगैरह कुछ भी नहीं है। दूध लेने कौन चल रहा है, है?
दूध लेने कौन चल रहा है भाई? मैं तो जा रहा हूँ दूध लेने, मेरे को जाना है दूध लेने भाई। देखो शाम को हम दूध लेने जा रहे हैं तो हमारे साथ देखो सिम्बा तो जा ही रहा है, लेकिन रूही भाई साहब भी आ गए। ये इसलिए आए खाने की वजह से। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? नहीं अब ले चल उसे, वो देखो वो बेचारी वहाँ से देख रही है हमें नहीं लेके जा रहे। लच्छे ये मेरे को परेशान करेगा, तू गोद में लेगी इसे, मुझे पता है ये बदतमीज दिखाएगा। रूही को ले ले, रूही क्या बैठ गया बेचारा, अरमान जाग गया उसके दिन में। सिम्मी ये कौन बैठा हमारे साथ? रूही अब देखा, सिम्बा ने अब देखा, सुसु कर दे। रूही बाबूजी भी जा रहे हैं हमारे साथ, किसी का गेट खुला हुआ है, तेरा गेट खुला होगा। और चढ़ा ले, और चढ़ा ले, सुसु निकल गई इसकी शायद। देखो अभी मानेगा नहीं कि मेरे को क्यों उतार दी, उतर उतर दे। ये भगवान क्या जुलम है, कालों गुम्मी गुम्मी करने जा रहा था। ले चल फिर, ले चल बेचारे को, अब ले चल भाई। अब देखो अब उसका मन नहीं मार सकता, बैठ गया तो बैठ गया मेरा रूही का गोला। पता है वो कल्लो वल्लो सब तेरे को गाली दे रही होंगी। रूही कहाँ जा रहे हैं हम? रूही को बाहर दिखाओ। जब जाते थे तो बेचारे देख नहीं पाते थे, ऐसी हालत में जाते थे। तब तो ये जब जाते थे गाड़ी में तब तो इनकी बेचारों की हालत ही नहीं थी कि ये बाहर भी कुछ देख पाए। कल इनके वैक्सीन लग जाएगी पार्गो और रेबीज की, तो कल सुबह सुबह लग जाएगी, भैया आके लगा देंगे इनके वैक्सीन, घर पे लग जाएगी, ये बढ़िया होगा। हाँ रूही सुन लो, ये गाड़ी में जाते थे तुम पहले। सीट पे कैसे बैठे आराम से? भैया वहाँ चीज दे रहे हैं जीनी को, और उन्हें यहाँ से देखा जा रहा है। आपकी चिज्जी दे रहे हैं? रूही कैसा लग रहा है दूध लाके? रोज कहेंगे मुझे भी ले चलो। रूही कहेगा मैं तो रोज आया करूंगा, मेरे को मजे आ रहे हैं आगे बैठ के। हम जा रहे हैं बच्चों को साफ करने के लिए, जो बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, और सिम्मी भी भैंजी। सिम्मी को लग रहा है कि भी हम उसे ले जा रहे हैं। सिम्मी को मैं बहू बना दूं क्योंकि मम्मी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, सिम्मा चाट चूटी कर लेगा, मम्मी भी आ गई। और ये ले जाए, ये तो रूही क्योंकि वो उससे साफ नहीं हो, रूही हो गई। और भाई ये बता दूं कि इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, वो तब सिम्मा जब लेकर आए थे ना उसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी, तो हम सिम्मा को कई बार किसिए करते थे, हम सिम्मा को सूंघते रहते थे भाई। जब ये सिम्मा आया था छोटा, मम्मी देखो खुश हूँ। चलो भैया ओवर एक्टिंग, तू है भैया से करवा लो। वही देखो बच्चे पार्टी आ गई है, अभी इन्हें थोड़े थोड़े साफ करेंगे, बहुत ज्यादा गंदे हो रही है, वही कीड़े वीड़े भी हो रहे हैं, तो पाउडर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। कल क्या मजे, बीमार हुई थी तो उसके बाद तुम्हारा को कैसा लग रहा है बताइए हमारी जनता को। सारे बच्चे पार्टी आ गई। हाँ 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 कल की बात बता दो। पेडिग्री खाती ना इसे कोई ट्रीट दो, नॉनवेज वाली वो खाती। तो जैसे आजकल चल रही ना लोग किशन जी के ज्यादा हुआ था हरे कृष्ण, उसने वो ले लिया है, वो लेते हैं जाप करते हैं, तो काफी लोग करते भी हैं। तो भाई नॉन वेज वही कर लो, ले वाली कर लो, दे दिया है वेज भाई, साल मुंह में पेडिग्री आके थूक देती है। रूही को दे दो, उसे दे दो। कज्जोर भूरी सेम सेम लगने लगे। चलो भाई सफाई होगी, आप भी करवाओगे? हां मैं करवाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये करने देंगे, लगता है तुझे ऐसा? सबसे पहला नंबर लगा कज्जू बहन जी का हमारी। वो देखो लच्छे भोग रही है, कहाँ हो गई? चालू है, गंदी बात होती है ये। अच्छा मैं पिट्टी करूंगा। अगर आपके पास डॉग भी है ना, जैसे हम बच्चे को समझाते ना, अगर वो आपको डांटे, डॉग आपके ऊपर भोग रहा है, तो उसी टाइम उसे डांटे तो उसे पता लगेगा कि भाई ये चीज गलत कर रहा हूँ मैं। अब जैसे कज्जू करती है ना, तो हम इसे उसी टाइम डांटते तो ये सोचते कि हाँ मैंने कुछ गलत काम करा। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये सोचेगी मैंने बहुत अच्छा काम करा, उन्होंने छोड़ दिया। कल लो देखो यहाँ पे दरी काटने में लगी हुई, बहुत अच्छा काम मिला है यहाँ पे, क्या हो रहा है? वो इंसाफ ही है। कल्लो पकड़ ले, कल्लो पकड़ ले, कल्लो पकड़ ले भाई, कल्लो को पकड़ लिया। मेकअप हो रहे हैं इनके। कज्जू क्यों भोग लेता आप? मेरी कज्जू तो दूसरी भूरी है, इधर आइए मेरी कज्जू, दूसरी भूरी है छोटी सी। देखो कैसे बैठ गए सारे कि हमारा नंबर भी आने वाला है। ओहो कहाँ हो गई? कुछ नहीं हुआ, कर लो ना ऐसी करती है तो। भूरी के भी पकड़ के हमने टिक्स का पाउडर लगा दिया है कि यही सीजन है, सबसे ज्यादा गर्मियों के सीजन में होते हैं। एंड भूरी भी क्या करती है, गेट के बाहर बैठी रहती है, वहां से ट्रांसफर होकर सिम्बा के ऊपर आ जाते हैं। कल्लो का लास्ट नंबर ये तो सो गई थी कि मैं तो सो गई, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। चपाटी की सबकी साफ सफाई हो गई है। एंड भाई होली आ रही है, लेकिन होली का हमारा मतलब कोई प्लान ही नहीं बनाया कि होली पे हमें करना क्या है। मतलब पता हो कि कौन कौन आ रहा है, या भोजी वगैरह आ रही है, क्या दीदी आ रही है, तो पता लगे हमें, तो उस हिसाब से फिर भाई प्लानिंग हो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होली का, और ना मैं होली का कुछ सामान ले गया। मेरा बड़ा मन था प्रिय वाले बड़ा सा टैंकर टाइप का होता है, वो लाने का मन था, लेकिन यार अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ होगा
तभी मैं यहाँ पे जो है डीजे वीजे बुलाऊं, जैसे हमने पिछले साल रहे थे, अगर हमने पिछले साल वाला ब्लॉग देखा है तो वैसे होली बनाए, अदरवाइज नहीं आएगा तो फिर भाई कुछ नहीं बनाएंगे। लच्छा की तो वैसी फेवरेट होती है होली। देखो लच्छा पार्टी कैसे सो गई। सुबह के टाइम जाएंगे घूमने जब ठंडक होती है, और दोपहर के टाइम पूरी दोपहर यहाँ से रहेंगे। रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जाते बाहर, रात के टाइम पता नहीं क्या लगता है। शाम के टाइम घूमते हैं और कहीं नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे रहेंगे। भूरी बहन जी कह रही है मुझे बाहर निकाल दो, जाना आपको वहां जाओ चलो। बाइक साफ कर रही है, बाइक के ऊपर चढ़ के बाइक साफ करी जा रही है। ऐसे कौन बाइक साफ करता है भाई। रख दे सिम्बा कहाँ ठंडा हो, तो यहीं बैठ रहा है। और भाई घर पे बन रही है मट्ठी, हमने बुलाया स्पेशल हलवाई, आपको मिलवाता हूँ ना हलवाई से। ये मिली है हमारे स्पेशल हलवाई से, जिन्होंने हलवाई वाले पहने हैं। ये कपड़े वपड़े चेंज कर कर आई थी और ये बिल्कुल ऐसे बैठ गई, हलवाई बैठते ना कि लाओ मैडम कितना आटा है क्या आटा है, मैं बनाऊंगी आज मट्ठी। बात तो आ गया कि व्लॉग चल रहा है सिम्बा, नहीं नहीं बाबू कढ़ाई के पास छोटे बच्चे नहीं बैठते बिल्कुल भी, इधर बैठो भाई। देखो इतनी मट्ठी बन चुकी है, एंड मैम आप कितनी मट्ठी बनाएंगे एंड कौन कौन सी बताएंगे, बताएंगे नहीं बनाएंगे टेढ़ी मट्ठी होती है। ओके यहाँ बनते हैं गर्मा गर्म वो वाली, जरूर बनाइए वो समोसे वाली। पता लग गया व्लॉग बन रहा है तो मैं भोग लूं। नहीं अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो ऑर्डर पूरा हो जाएगा हमारा। इसमें भी गलत बात है भाई, किसी को भी अपने घर पे मट्ठी पहले ऑन मत भाई, किसी को भी पहले अपने घर पे भाई, किसी को भी अपने घर पे मट्ठी बनवानी तो अच्छा कांटेक्ट करें, नंबर डाल। तो जी यहाँ पे बच्चा पार्टी का खाना और सिम्बा भी साथ में जा रहा है, ऐसे बहुत भारी खाना लेके जा रही है ना तू भाई। कल लोग की रोटी नहीं सीखी है, रोटी लोग की रोटी सीखी है, वो बहन जी रोटी खाती है। अभी दिखाता हूँ बच्चा पार्टी खाना आ गया आपका, वो देखो नहीं खाने पे डिग्री ब्रेड लाई थी इसकी थोड़ी सी, ये ब्रेड खाएगी अभी, ब्रेड देते हैं इसे। आओ इधर आओ, चलो इधर आओ। सिम्बा देख रहे क्या कर रहा तू, मेरे को लेके नहीं जाना तुम्हें, अभी खाएगी नहीं है देखना। आना आ रही, देखो सारे बच्चे आ गए हैं पेडिग्री वगैरह और चावल खाने के लिए, वो नहीं आ रही बस। आई 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 देख, आज बेइज्जती करवाएगी, आज ड्रम ब्रश करेगी अपना, रुई कचोरी। चलो भाई बच्चा पार्टी भाई। यहाँ मुझे एक कॉमेंट भी आया था की कोई मेरे से जो है करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था की उन्हें जो है बच्चा पार्टी के लिए फूड भेजना है, तो भाई इंस्टाग्राम भेज देता हूँ, आई डी मेंशन कर दूंगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वो देखो चली गई, नहीं खाया उसने, देखो देखो नहीं खाएगी, पेडिग्री नहीं खाएगी, चावल भी नहीं खाएगी, देखो रोटी खाती है ये बस, ब्रेड भी नहीं खा रही, रोटी खानी है ने। और सोच रही कुछ है नहीं क्या मेरे लिए, जरा सिम्बा को सुसु पोटी करा दो, सुंची भी वेट कर रहा है। वो देखो वहाँ देख रही है कल्लो, अब खाने लगी, अब ब्रेड खा रही है। देखो पेडिग्री त्याग दी भाई इसने, ला सुंची को भी खाना वरना अभी चढ़ेगा वो सुंची का खाना। सुंची देखो भारी वेट कर रहा है, भूरी है, लड़ाई हो जाएगी। सुंची को दे, भूरी को ऊपर देंगे, सुनचुन को दे, भूरी आपको देंगे अभी, रुक जाओ। Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.